एक दिन नारद जी महाराज पहुंचे। राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती की भाग्य को देखने के लिए, रेखाओं को देखने के लिए नारद जी से आग्रह किया। नारद जी ने जब पार्वती मैया के हस्त रेखाओं को देखा, नारद जी ने कहा, सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतत पिया है प्यारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतत पिए ही प्यारी, सदा अचल यही करे यही वाला यही तेजस पई है पितु माता, सदा अचल यही करे यही वाला यही तेजस पई है ही पितु माता, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुण दुहिचारी, सुलक्षण सुता तुम्हारे सुनहु जे अब अवगुण दुहिचारी। नारद जी ने जब सुना, राजा हिमाचल ने कहा, जरा मेरी बिटिया के दोष और गुण बताइए। तो नारद जी ने बताना शुरू किया, आपकी बिटिया सर्वगुण संपन्न है, स्वभाव से स्वरूप से हर प्रकार से यह कन्या संपन्न है, सहज है, सुंदर है, साथ ही साथ इसके उमा अंबिका भवानी जैसे अनेकानेक नाम होंगे महाराज। और आगे कहा, आपकी कन्या संसार में पूजनीय होगी और आपकी बिटिया का नाम लेकर संसार की स्त्रियां अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, इसका सुहाग अमर होगा। इतना बढ़िया सुनकर माता पिता प्रसन्न हो गए। बोला, मतलब बिटिया में कोई दोष है ही नहीं? बोला, नहीं बिटिया में नहीं है, आपको जो मिलने वाले जमाई राजा हैं उनके भीतर एक आग दो दिखा रहा है, तो कहिए तो बताएं। महाराज ने कहा, बताइए। अब बताना शुरू किया, अगुन अमान मातु पितु हीना, अगुन है, अमानी है, उनके माई बाप कौन है नहीं पता, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन जीवन जीते हैं, ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, जो वैरागियों की तरह अपना जीवन बिताते हैं। माता पिता ने कहा, ऐसा जमाई, इतनी सुंदर बिटिया को ऐसा वर मिलेगा? नारद जी ने कहा, ना ना, ये तो अभी शुरुआत है, भयंकर वाला तो एकरे आगे है। बोला, और है? बोला, अभी तो शुरू है, और सुनिए, कहिए तो बताएं। बोला, बताइए। नारद जी ने कहा, जोगी जटिले अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एही कह मिलई परिहस्त असिले। जो जोगी होगा नग्न अवस्था में अमंगल वेश बनाकर जो घूमता होगा, ऐसा पति आपकी कन्या को मिलेगा। सुनते ही राजा हिमाचल ने कहा, महाराज आपका तो हर जगह आना जाना है, ब्रह्मा जी के यहाँ भी आना जाना है, आपके पिताजी हैं, तो थोड़ा सा बातचीत करके कुछ ऐसी बात बनाइए ना कि मामला ठिका जाए। नारद जी ने कहा, मामला ठिका जाए मतलब? बोला कि कोई ऐसा है नहीं उपाय कि दुल्हा बदल जाए, ई वाला हमको नहीं चाहिए, हमारी बिटिया के लिए ठीक नहीं लग रहा, कोई ऐसा बताइए कुछ काम करा के, पूजा पाठ हवन ले दे के दुल्हा बदला जा सकता है का? नारद जी ने कहा, महाराज कह मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न कलम से जो लिख दिया वो किसी भी माध्यम से मिटने वाला नहीं है, वर तो यही मिलेगा, ऐसा बावला वर। नारद जी ने कहा, लेकिन ये जितने लक्षण हैं हमें ना, ये सब हमको भगवान शंकर में दिखाई दे रहे हैं, और अगर बाबा से विवाह हो जाए तब तो ये जितने अभी दोष लग रहे हैं यही आपको गुण नजर आएंगे, पर बाबा हमारी कन्या से क्यों विवाह करेंगे? नारद जी ने कहा, बिटिया से कहिए जाकर वन में तपस्या करे, और यही जब मान किया,
आगे मेरी मैया जंगल पहुंची, संवत सहज मूल फल खाए, साग खाई सत वर्ष गवाए, कज दिन भोजन वारी बताशा किए, कठिन कज दिन उपवासा। अत्यंत कठिन साधना करी, आकाशवाणी हुई है, और तब आकाशवाणी ने आश्वस्त किया कि भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार। इधर राम जी भगवान शिव के समक्ष प्रकट भये, एक वरदान के लिए चर्चा करी, एक निवेदन किया, मैं चाहता हूँ कि आप पार्वती से विवाह कर लीजिए, मैंने आकाशवाणी से उनको वचन दे दिया है। बाबा इधर आनंद में आए, प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और सप्त ऋषियों को भेजा मैया पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषि पहुंचे, सप्त ऋषियों ने कहा देवी ऐसी तपस्या किसके लिए कर रही है। मैया ने कहा बस ये समझिए कि मैं पानी पर पानी से पानी लिखना चाहती हूँ, अर्थात मैं देव महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। सप्ती सलाह आपको किसने दी? बोला मेरे गुरुजी नारद जी ने कहा। बोला जैसे नारद जी की बात आज तक जिसने मानी है, एको का घर बसा हो तो बता दीजिए, ना उन्होंने आज तक अपना बसाया ना किसी का बसने देंगे, उनके चक्कर में मत पड़िए, हमारी बात मानिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम आपका विवाह भगवान विष्णु से कराएंगे। इतना सुनने के बाद मैया ने कहा पुनियों भले मेरे स्वामी में आपको लाखों अवगुण दिखाई दें और भगवान विष्णु में लाखों गुण हो, लेकिन मेरा मन जिसमें रम गया है मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, भगवान शिव से मेरा मन लगा है और विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, अन्यथा अपने प्राण दे दूंगी, पुनर्जन्म लूंगी, तपस्या करूंगी, जब तक शिव को प्राप्त ना करूं तब तक शांति का अनुभव नहीं करूंगी। लगन इनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मैया कहती हैं लगन इनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन इनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, इन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से करते थे तो चुप चुप याद करते थे, अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा, अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा, से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सप्त ऋषि समझ गए कि माँ की निष्ठा पक्की है, भगवान शिव को माँ की निष्ठा की बात बताई, बाबा समाधि में चले गए। इसी मध्य में तारकासुर नाम के राक्षस का जन्म हुआ, इसने तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु भगवान शंकर के तेज से जो पुत्र उत्पन्न हो उन्हीं के हाथों हो, और इधर अभी देवताओं पर इसने अत्याचार करना शुरू किया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा इसकी मृत्यु कैसे होगी, ब्रह्मा जी ने कहा बाबा के पुत्र के हाथों इसकी मृत्यु है, देवताओं ने कहा तब तो हो भाई इसकी मृत्यु, बाबा बैठे हैं समाधि में, कब उठेंगे पता नहीं, कब समाधि से जगेंगे, कब विवाह होगा, कब पुत्र होगा, कब ही मरेगा,
ब्रह्मा जी ने कहा बाबा नहीं उठ रहे हैं तो जाकर जबरदस्ती उठ जाएं, ऐसा कोई उपाय कर दीजिए। बोला सुनिए ब्रह्मदेव, तपस्या भंग करने अगर कोई गया ना तो ये तार का सुरवा तो बादी में मारेगा, बाबा पहले मार डालेंगे, कौन जाएगा तपस्या खोलने के लिए उनकी समाधि भंग करने। सबने कामदेव को भेजा, कामदेव पहुंचा। बहुत यत्न के बाद जब नेत्र नहीं खोले तो अब कामदेव आम के वृक्ष पर बैठा और अपने धनुष पर पुष्प के 5 बाणों का संधान किया। भगवान शंकर के हृदय का लक्ष्य लेकर बाणों को छोड़ा। बाबा ने अब चौंध किया, किसने मेरी साधना को भंग किया है, किसने मेरी समाधि में कलर डाला। दाईं ओर देखा, बाईं देखा, समक्ष देखा, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। इतने में आम के वृक्ष पर कुछ हलचल दिखाई दी पत्तों पर। बाबा ने ध्यान से देखा तो आम की आड़ में छिपा हुआ काम दिखाई दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला और एक निमिष में काम को जला करके बाबा ने